सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द प्रपोजल को डायरेक्ट किया है पीट चायरेली ने, जिन्होंने नाउ यू सी मी 2 भी डायरेक्ट किया है। काफी टाइम से काफी लोग मुझे कह रहे थे कि किसी कॉमेडी मूवी को रिव्यू करो, सो हियर इट इज। द प्रपोजल मूवी अभी तक हिंदी में नहीं आई है और अब कोई चांस भी नहीं लगता और उम्मीद भी नहीं है कि ये हिंदी में आएगी, सो यू विल हैव टू वॉच एंड एंजॉय दिस मूवी इन इंग्लिश ओनली। मगर फिर भी अगर फ्यूचर में ये मूवी हिंदी में आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसे जरूर अपडेट कर दूंगा, सो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले। द प्रपोजल में काम किया है द गॉर्जियस एंड वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस सैंड्रा बुलक और रैन रेनल्स ने। कहानी है मार्गरेट की, जिनका किरदार निभाया है सैंड्रा बुलक ने, जो कि एक कंपनी में एडिटर है। ये बहुत ही खड़ूस किस्म की है और कोई भी इनको पसंद नहीं करता। इनका पीए यानी कि सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है रायन रेनल्स ने। मूवी में इनका नाम है एंड्रयू पैक्सटन। ये खुद एक एडिटर बनना चाहते हैं, इसीलिए सैंड्रा बुलक के आगे पीछे घूमते रहते हैं ताकि एक दिन ये खुद एक एडिटर बन सके। चीजें टप ट्विस्ट ले लेती है जब किसी कारण सैंड्रा बुलक को वापस उनके कंट्री कनाडा में डिपोर्ट किया जा रहा होता है किसी कारण की वजह से। यानी अब सैंड्रा बुलक की नौकरी खुद खतरे में है और इससे बचने के लिए वो लेती है रायन रेनल्ड्स का सहारा और उनको बना लेती है अपना होने वाला पति। ताकि यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज न हो, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी और कंट्री से हैं, अमेरिका में जाते हैं और अगर वहां के किसी नागरिक से शादी कर लेते हैं तो आप लीगली उस कंट्री के रेसिडेंट हो जाते हैं और वहां से आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी चीज का सहारा लेती है सैंड्रा बुलक। वो अमेरिका की रेसिडेंट नहीं होती है, कनाडा की होती है और रैन रेनल्ड्स अमेरिकन रेसिडेंट होते हैं, तो वो रैन रेनल्ड्स को अपना होने वाला पति बनाकर अपने डिपोर्टेशन को रोकने की कोशिश करती है इस मूवी में। मगर अमेरिकी सरकार को पता चल जाता है कि सैंड्रा बुलक जानबूझकर एक अमेरिकी नागरिक से शादी कर अपने डिपोर्टेशन को रोकना चाहती है और वहां की सरकार इस चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों लोगों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कपल जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं उनको ही पता होगा, और अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो सैंड्रा बुलक और रैन रेनल्ड्स इन दोनों को जेल हो सकती है। तो क्या ये दोनों टेस्ट पास कर पाएंगे और क्या क्या करते हैं ये लोग एक दूसरे को समझने के लिए और इसके चलते किन किन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, यही स्टोरी है मूवी की। इस मूवी को देखने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि 1999 में बनी बॉलीवुड मूवी डायरेक्टेड बाय ऋषि कपूर जिसका नाम था आ अब लौट चले की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी जो कि इस मूवी के बहुत सालों पहले रिलीज हुई थी। तो क्या हॉलीवुड ने बॉलीवुड की मूवी की स्टोरी कॉपी की? एनीवेज, इस मूवी का स्टार्टिंग का 5 मिनट बहुत अच्छा है और उस स्टार्टिंग के 5 मिनट को देखते ही आप इस मूवी से हुक हो जाते हैं। सैंड्रा बुलक को एक बहुत ही खड़ूस एडिटर दिखाया गया है जो कि किसी भी हालत में अपना काम करवा लेना चाहती है, तो ये खड़ूसपन सैंड्रा बुलक के ऊपर कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा था, बट अगेन शी डिड अ बेस्ट। रायन रेनल्ड्स भी एक असिस्टेंट के कैरेक्टर में काफी फिट लग रहे थे। सो मूवी के स्टार्टिंग के 10 मिनट में इन दोनों को बराबर से इंट्रोड्यूस किया गया है। इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों के ऑफिस की केमिस्ट्री अच्छे तरीके से दिखाई गई है। सो मूवी के स्टार्टिंग के 10 मिनट इन दोनों के कैरेक्टर्स को समझाया गया है, ये दोनों क्या है, कैसे हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब क्योंकि रायन रेनल्ड्स सैंड्रा बुलक के असिस्टेंट है तो रायन रेनल्ड्स को सैंड्रा बुलक के बारे में सब कुछ पता है, बट सैंड्रा बुलक को रायन रेनल्ड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और अगर इस शादी को सही साबित करना है तो सैंड्रा बुलक को रायन रेनल्ड्स के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। और यहीं पर डायरेक्टर ने रायन रेनल्ड्स की दादी को घुसा दिया है मूवी में। इनकी दादी का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के बहाने सैंड्रा बुलक और रायन रेनल्ड्स जाते हैं रायन रेनल्ड्स के घर पर जो कि है सिटका में। वहां पर जाने के बाद में सैंड्रा बुलक को रायन रेनल्ड्स के बारे में कुछ ऐसी चीजों का पता चलता है जिनसे वो काफी शॉक हो जाती हैं। ये उनके परिवार से मिलती हैं और उनको ज्यादा समझती हैं और जानती हैं। मूवी शुरू जरूर अमेरिका में होती है मगर आधे से ज्यादा मूवी या यू कहो 90% मूवी अमेरिका से बाहर एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे शूट किया गया है। बट अगेन आइलैंड को दिखाने के बाद में इस मूवी का बाकी का जो भी सीन है वो उस घर के अंदर ही खत्म हो जाता है। बट अगेन डायरेक्टर ने काफी अच्छे लोकेशन चूज किए गए हैं। लोकेशन वाइज ये मूवी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। मूवी में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा तीनों एवरेज है, नहीं ज्यादा है और नहीं कम। इस मूवी में शॉकिंगली थोड़े न्यूड सीन्स भी थे बट वो टोटली न्यूड सीन्स नहीं थे। पहले तो मैं काफी शॉक हो गया था बट अगेन इतने ज्यादा न्यूड सीन्स नहीं थे तो यू नो इट वॉज ओके। इस मूवी में रायन रेनल्ड्स की गर्लफ्रेंड को भी डाला गया है जिनसे स्टोरी उतनी इफेक्ट नहीं होती है, बट इस मूवी को एक पावरफुल इमोशन देने के लिए रायन रेनल्ड्स की एक्स गर्लफ्रेंड को भी डाला गया है ताकि मूवी में आगे जाके रायन रेनल्ड्स और सैंड्रा बुलक की केमिस्ट्री लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मूवी में काफी सीन्स ऐसे भी हैं जो सूट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल सैंड्रा बुलक को एक बहुत ही खड़ूस एडिटर के तौर पर दिखाया गया है बट मूवी के आगे जाते ही
जो रैन रेनल्स सैंड्रा बुलक से एकदम डरते रहते हैं, वो अचानक से उनके साथ में बहुत ही फ्रैंक हो जाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं लग रहा था। आई मीन सैंड्रा बुलक के कैरेक्टर के हिसाब से वो सीन्स सूट नहीं कर रहे थे, जो कि थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। ओवरऑल अगर आपको एक कॉमेडी कम रोमांस मूवी देखनी है तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 out of 10। तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।